हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स इन कॉलम फर्स्ट विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइड चेन गिवन इन द कॉलम टू एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। चार ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। सो ये लेफ्ट में कॉलम वन में जो है ये एमिनो एसिड्स के नाम लिखे हैं और राइट में उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो साइड चेन होती है उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है या आपका कंडेंस्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं कि अगर फिशर प्रोजेक्शन में ले तो सी डबल बॉन्ड ओ एच ये ग्रुप है, फिर एक अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से एक आर ग्रुप लगा रहेगा और उसी अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन होगा एंड एनएच टू ग्रुप होगा, तो इसको बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड्स। तो इस आर की वैल्यू को वेरी करते जाएंगे, वी कैन हैव मेनी अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये आर अब एस्पैराजीन दे रखा है, इसका सिंबल जो होता है थ्री लेटर सिंबल ए एस एन होता है, वन लेटर सिंबल एन होता है, ठीक है। सो आपको वन लेटर सिंबल लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, थ्री लेटर सिंबल याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एस्पैराजीन होता है, तो एस्पैराजीन के लिए जो हमारा आर होता है वो होता है, मैं ए के लिए लिख रही हूँ, ए के लिए जो आर होता है दैट इज एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एंड एन एच, ये ग्रुप यहाँ से एक बॉन्ड फ्री है तो ये ग्रुप सॉरी नॉट एन एच टू सी एच टू, गलती से एन एच लिखा हुआ है, सी एच टू, ठीक है। तो कार्बन का एक बैंड बॉन्ड फ्री है, सो ये ग्रुप होगा तो उसे एस्पैराजीन बोलेंगे। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन देखो तो देख पा रहे हो लास्ट में फोर्थ में लिखा है एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, यानी कि ए का मैच फोर से होगा। फिर बी में देखते हैं, बी में लिखा है प्रोलीन, प्रोलीन प्रोलीन का जो सिंबल है वो सही लिखा, थ्री लेटर सिंबल पी आर ओ है एंड वन लेटर सिंबल इज पी। तो यहाँ पर जो आर ग्रुप होता है दैट इज एक्चुअली द एक्चुअली इज इन द फॉर्म ऑफ द रिंग, रिंग के फॉर्म में होता है। तो ये पूरा मैं ऐसे बता देती हूँ कि प्रोलीन आप इसे कब बोलोगे, ये आपका कुछ ऐसे है, देखो सी ओ ओ एच, यहाँ आपका एच लग गया, ठीक है, ये आपका सी एच लगा और ये आपका एन एच लगा, ठीक है। तो N का एक हाइड्रोजन गया और यहाँ पे कार्बन से एक दो दो हाइड्रोजन लगे, एक हाइड्रोजन गया, बाकी का जो है वो आपके रिंग ने बना दिया, ऐसे ऐसे फाइव मेंबर रिंग, ये ऐसे फाइव मेंबर रिंग बनती है, ठीक है, ऐसे करके फाइव मेंबर रिंग, राइट। सो बेसिकली प्रोलीन के अंदर अलग से आर ग्रुप नहीं है, दैट आर ग्रुप फॉर्म्स अ रिंग विद द एनएच टू ग्रुप, राइट। सो दिस इज प्रोलीन। सो क्लियरली हमें विजिबल है कि ये हमारा कौन सा होगा, देखा जाए तो ये वाला होगा, ठीक है, यहाँ पर इसको एच कर लीजिए, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। देखिए इस कार्बन से सी डबल बॉन्ड ओ एच एच फिर एन एच सी एच टू सी एच टू सी एच टू, यानी कि बी का मैच होगा फर्स्ट के साथ में। सी में लिखा है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड का थ्री लेटर सिंबल इज जी एल यू एंड आपका वन लेटर सिंबल इज ई, वन लेटर सिंबल इज ए। सो इसके लिए जो साइड चेन होती है दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एच टू एंड सी एच टू, ये इसकी साइड चेन होती है। सो यहाँ से सी का मैच होगा सेकेंड के साथ में एंड अकॉर्डिंगली डी का मैच हो जाएगा आपका थर्ड के साथ में। सेराइन एक बार मैं देख देती हूँ, सेराइन भी अगेन क्या होता है, थ्री लेटर सिंबल इसका एस ई आर होता है एंड वन लेटर सिंबल एस होता है। तो यहाँ पर जो रिंग होते आर होता है दैट आर इज ओ एच सी एच टू थ्री बॉन्ड, ठीक है। सो इस तरीके से मैच हो जाएगा, तो ए का फोर से होगा, बी का वन से होगा, सी का टू से होगा एंड डी का थ्री से, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से आपके लिए करेक्ट निकल कर आता है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।